हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और सब बहनें अपने भाइयों के आने का और सारे के सारे भाई अपनी बहनों के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं भी इसी तैयारी में लगी हुई हूँ। आज शाम को मेरे कज़िन भैया लोग आने वाले हैं, तो 17-18 लोगों का खाना है मेरे घर पर और मुझे सब कुछ मैनेज करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन हाँ, तैयारी अच्छी चल रही है। और आज तो ऐसी हो गई ना कि मेरा पहले प्लान था, मेरे भैया मुंबई में रहते हैं, तो मेरा पहले प्लान था कि मैं भैया के पास जाऊँगी और जय भी अपने सिस्टर के पास जाएंगे। उनके सिस्टर जो है वो भी मुंबई में है अभी, तो हम लोग का था कि हम लोग जाएंगे और सरप्राइज़ कर देंगे सबको, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम लोग का प्लान कैंसिल हो गया और मैंने भैया को राखी भेजी थी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, भैया को राखी नहीं मिली थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया कि उनको राखी मिल गई और उन्होंने बांध भी ली। मतलब मैं तो इतना रिलैक्स हो गई। खैर, ये जो वीलॉग मैं बना रही हूँ वो है राखी सेलिब्रेशन का और आज के मेरे लुक का। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि आज मैंने सबसे पहले क्या किया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे सारे के सारे भगवान जी बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं। देखिए, सारे भगवान जियों को मैंने राखी चढ़ाई है। जी हाँ, आज के दिन में सब भगवान जी को राखी चढ़ाती हूँ। देखिए, सब भगवान जी राखी पहन के बैठे हैं, ये देखिए। तो आज त्योहार के दिन तो हमारी मेड भी छुट्टी पे गई हुई है, तो भाई फिर भी मतलब मेरा जो काम है साफ़ सफाई वाला, वो वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच जय, मेरे देवर जी और नैतिक, वो लोग मेरी, उन लोगों ने बहुत हेल्प करी और मेरा घर जो है चकाचबी। और ये देखिए, सारी की सारी जो मेरी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। एटलीस्ट ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए मेरा कितना प्यारा लग रहा है मेरा घर। अभी किचन में थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है मेरी और अभी मैंने जस्ट जो जो भी बना रही हूँ उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने कर ली है। अभी मेरी बड़ी दीदी आने वाली है तो उसकी मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अब बारी आती है मेरे आज के लुक की। जी हाँ, मेरा आज का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैं मतलब क्या होता है ना कि ज़्यादा करके आज के दिन मैं साड़ी वगैरह वेयर करती हूँ, पर मतलब स्पेशली आज के लिए, मतलब जय ने मुझे पहले से ही, मतलब था कि हम लोग जाने वाले हैं मुंबई, तो जय ने मुझे पहले से ही मतलब बहुत प्यारा सा ड्रेस दिलवाया है W से। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो उसका एक लुक, एक हल्की सी झलक। तो ये है खूबसूरत सा पैकेट जो है, पैकेट नहीं, बैग ऑफ कोर्स। तो हाँ, ये जो खूबसूरत सा बैग है वो है W का और W के कपड़े मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये है स्कर्ट और ये खूबसूरत सा है उसके साथ कुर्ता। ये देखिए, ये दोनों बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। तो आप लोगों ने मेरे ड्रेस की हल्की सी झलक देखी, तो मैं आपको बता दूं कि जो W के ड्रेसेस हैं वो बहुत प्रिटी रहते हैं। एक्चुअली वैसे तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ यूजुअली। यहाँ पे जो W के पहले जो थे, मतलब जो मॉल्स में मिलता है W का जो ड्रेसेस मिलती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। बट अभी TB मॉल में एक W का नया शोरूम ओपन हुआ है, मतलब माइंड ब्लोइंग ड्रेसेस हैं वहाँ पे। सीरियसली, मतलब आप किसी भी कुर्ती को देख के, किसी भी ड्रेस को देख के डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप खरीद ही लें उसको। तो खैर, इतना सारा नहीं लिया जा सकता था, तो मैंने जो है वो बहुत प्यारी सी ड्रेस ली है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। कंप्लीट लुक मैं जब रेडी होंगी तब आप देख पाएंगे। और हाँ, मैं जो है कभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुर्ते के नीचे स्कर्ट वगैरह पहनने से, या प्लाजो मैं पहन लेती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। हाइट वाइट का फिर मैटर नहीं आता। वैसे तो मुझे ऐसा लगता था पहले, मैं प्लाजो भी नहीं पहनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि प्लाजो में मेरी हाइट बहुत कम लगेगी,
बट अच्छी खासी हील्स के साथ मैं पहन लेती हूँ प्लाजो। और मतलब मैं कभी भी किसी भी कुर्ते के साथ स्कर्ट तो कभी भी वेयर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी हाइट बहुत कम लगेगी, मैं बड़ी अजीब सी लगूंगी। लेकिन जब मैंने मॉल में उस दिन ये ड्रेस ट्राई किया था, क्योंकि ये जो स्कर्ट है, जो ये वाली आप स्कर्ट देख रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही जा रहा था। तो आप एक बार उस स्टोर पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही प्यारा स्टोर है, DB मॉल में सेकेंड फ्लोर पर है, तो आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल सामने ही है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हाँ, अब आते हैं इन कपड़ों पे। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ मुझे ये जो ड्रेस है ये पूरी कंप्लीट जब मेरा खाना बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही वेयर करना है। क्यों? क्योंकि बहुत लाइट कलर है, मैं नहीं चाहती कि ये ड्रेस ख़राब हो। और बड़े मन से मैंने ये ड्रेस लिया, और इसका जो प्राइस है, लाइक जो कुर्ते का कॉस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुर्ते का कॉस्ट है लगभग 2699 का कुर्ता है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता है। जब मैं पहनूंगी तब तो आप बोलेंगे कि हाँ ये कॉस्ट वर्थ करती है। और जो इसका स्कर्ट है वो है ऑलमोस्ट 4000 का, जो 3999 का है, और उसमें है सिर्फ 1 रुपया कम 4000 में। खैर, तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत सही जा रहा है। इयररिंग मैंने अभी आपको लास्ट वीलॉग में जो इयररिंग्स दिखाए थे वो भी शायद इस पर बहुत प्यारे लगेंगे। अभी मैंने सोचा नहीं है वो सब कुछ, तो बाकी मैं बाल वाल खुले नहीं रख सकती घर में, क्योंकि मुझे काम करना है, भैया लोग आने वाले हैं, तैयारी मेरी पूरी की पूरी चालू है। और आई होप कि आप लोगों का भी रक्षाबंधन एकदम माइंड ब्लोइंग चल रहा होगा। जी, मेरे घर पर रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हम लोग शाम को करने वाले हैं, क्योंकि दिन भर में सारे काम वाम निपट जाएंगे, और फिर उसके बाद आराम से शाम को मैं सबको राखी बांधूंगी, और फिर हम लोग सब लोग इंजॉय करते हुए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, लेकिन इस बीच में मैं अपने भैया भाभी को बहुत ज़्यादा मिस करूंगी, जय भी अपने सिस्टर को बहुत मिस करेंगे सच में भी। मतलब आज का दिन बहुत स्पेशल होता है, कि मतलब लगता है कि हमारे भैया भाभी भी यहाँ होने चाहिए थे, बट ठीक है वो लोग नहीं आ सकते। एक्चुअली मैं अपने भैया भाभी को भैया भाभी नहीं कहती, मैं उन्हें दादू वही नहीं कहती हूँ, क्योंकि बड़े भैया को मराठी में दादा कहते हैं और भाभी को वही नहीं कहते हैं। तो मैं दादू बहिनी को बहुत मिस कर रही हूँ, और स्पेशली सृष्टि और क्षितिज को भी बहुत मिस कर रही हूँ। सृष्टि होती तो वो भी बहुत इन्जॉय करती पार्टी को। और तो और मेरी मम्मी भी भोपाल में नहीं है, वो भी मुंबई में ही है। और हाँ, ऑफ कोर्स इस टाइम पे मेरे इन लॉज, मतलब जय के मम्मी पापा, वो और जो मेरी ननद है वो वहीं है, मतलब जय की सिस्टर, वो वहीं पे ही है बॉम्बे में। तो वो लोग हम लोगों को बहुत मिस कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। लेकिन हम लोग ये सारी शिकायतें दूर करेंगे गणपति के टाइम पे। हम लोग गणपति के टाइम पे घर जाएंगे, तो मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर और सभी लोगों से हम लोग वहाँ जाके मिलेंगे। तो बस बाकी आज तो हम सबको वीडियो कॉल ही करेंगे। हाँ, सब लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छा हो, आप लोग सुरक्षित रहें, आपके चाहने वाले, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले, आपकी फैमिली मेम्बर्स, सब लोग बहुत अच्छे से रहें। बस इसी विशिंग के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं। तो जब घर पे बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं तो तैयारी भी बहुत सारी करनी पड़ती है। ये मैं और मेरी दीदी हम लोग बिजी हैं अच्छी अच्छी खिली खिली रोटी बनाने में। तो ये है मेरा राखी का लुक, जो कि बहुत ही सिंपल, सोबर और एलिगेंट है। मैंने ऐसा लुक इसलिए लिया क्योंकि मुझे घर में सारी की सारी व्यवस्था भी देखनी थी। मैंने छोटे छोटे इयररिंग डाले हैं और प्यारा सा जूड़ा बनाया हुआ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जी हाँ, इस टाइम मैं हूँ हनुमान जी के मंदिर में। मैं हर साल नियम से हनुमान जी के मंदिर आती हूँ और उन्हें हर साल राखी बांधती हूँ, या कहना चाहिए कि उन्हें राखी अर्पण करती हूँ अपनी। और वो सारी चीज़ें जो मैं अपने भाइयों को गिफ्ट करती हूँ वो मैं हनुमान जी को गिफ्ट करती हूँ। हर साल हनुमान जी को राखी बांधने के बाद ही मैं अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ।
तो इनसे मिलिए। ये है मेरे बड़े वाले कज़िन भैया और भाभी जो भोपाल में ही रहते हैं। हर साल मैं इन्हीं राखी बांधती हूँ क्योंकि भैया हर साल नहीं आ पाते, तो हर साल जो है मैं इनके साथ राखी सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये है मेरा सबसे छोटा वाला कज़िन निशांत, और इसको आपने मेरे वीलॉग में पहले भी देखा है, जो मैंने अहमदाबाद वाला वीलॉग बनाया था उसमें जो शादी हो रही थी वो निशांत और ईशानी की ही शादी हो रही थी। तो इस साल ईशानी की पहली राखी है तो उसने हमारे साथ ही अपनी पहली राखी को सेलिब्रेट किया। वो नहीं जा पाई अपने घर पर, लेकिन हमारे साथ भी उसने खूब धमाल किया। और ये जो राखी जय के हाथ पे बंध रही है वो उनकी प्यारी सिस्टर मंजू ने उनके लिए भेजी थी। मंजू तो आ नहीं पाई थी इसलिए उस राखी को अक्षु ने ही बांधा। तो अब चालू हुआ है दौर नैतिक की कलाई पे राखी बंधने का। नैतिक की कलाई पे तो खूब सारी राखियां बंधने वाली हैं आज के दिन। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नैतिक की कोई भी रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन उसकी 9 कज़न सिस्टर्स हैं। जी हाँ, 9 कज़न सिस्टर हैं नैतिक की। 7 तो इस रूम में ही मौजूद हैं, मतलब अभी यहाँ पे उसकी 7 सिस्टर्स ने उसको राखी बांधी और 2 सिस्टर्स जो कज़न सिस्टर हैं उन्होंने उसको राखी बाहर से भेजी थी। सच में नैतिक ने बहुत इन्जॉय किया, अपनी सारे सिस्टर्स को उसने खूब सारे गिफ्ट्स दिए। और अब शुरू हुआ है रियल हंगामा। जी हाँ, हम लोग सब हाउजी या तंबोला खेल रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया इसमें, खूब सारे पैसे जीते और कई लोगों ने खूब सारे पैसे हारे भी, लेकिन वाकई में बहुत मज़ा आया। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने कितनी मस्ती की, कितना एंजॉय किया। मेरा घर अच्छा खासा मैस हो रखा है, मुझे अभी अच्छे से क्लीनिंग करनी है और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो चलिए, ये था राखी का सेलिब्रेशन। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।